जी, इस वक्त मैं क्वेटा से ट्रेवल करके कराची हूँ। इसके बाद लाहौर जाऊँगा। इस वक्त इस ट्रिप का मकसद ये था कि मैं एक प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें ये प्रोजेक्ट जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है जो ये प्रोजेक्ट में हेल्प आउट कर रहा है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को एक असाइनमेंट के थ्रू, और सिंध की गवर्नमेंट को दूसरी असाइनमेंट के थ्रू, इन दोनों सूबों में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्ट्रेटजी बनाने के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल 2021 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की पहली पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, और उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने तमाम सूबों को ये इंस्ट्रक्ट किया था, ये गाइडेंस दी थी कि आप इस पॉलिसी के नीचे अपनी अपनी स्ट्रेटजीज मुरतब करें। तो सिंध गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप नोटिफाई किया, इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप नोटिफाई किया, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अदारे आईटीसी से ये सपोर्ट और हेल्प मांगी कि आप हमें हेल्प आउट करें ये स्ट्रेटजीज बनाने में। मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि आईटीसी ने दोनों सूबों के अंदर एंगेज किया कि सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए उनकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्ट्रेटजी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने सिंध में काम शुरू किया। अब सिंध का जो काम है वो अगले फेज में एंटर हो रहा है, जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज को तरतीब दे रहे हैं। इससे पहले तमामतर काम जो है वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने में लगाया, की इश्यूज को शॉर्टलिस्ट करने में लगाया, और अब हम वहाँ पे स्ट्रेटजीज तरतीब दे रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो काम है वो चंद महीने बाद अभी शुरू हुआ है, जिसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेटिव सेशंस हमने किए, एक कंसल्टेटिव प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें 300 से जायद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सर्विस प्रोवाइडर्स, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनसे अभी मैं कंसल्ट करके आ रहा हूँ। एक टीम की शक्ल में हम क्वेटा गए हुए थे, उनसे कंसल्ट किया, फोकस ग्रुप्स किए, कंसल्टेटिव इवेंट किया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से 1-to-1 मुलाकातें की, और उन सबको करने के बाद अब हमने सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लिया कि बलूचिस्तान में एसएमईज को तमाम किस्म के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, उनको अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि उन तमाम मसाइल को लिस्ट डाउन कर सकें। उसके बाद हमने उन्हीं से हेल्प मांगी कि आप हमें प्रायोरिटाइज करने में भी मदद करें कि आपकी नज़र में कौन से ऐसे 4-5-6 मसाइल हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे स्ट्रेटजी में एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन अब हमारे पास मौजूद है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट को अब हम हेल्प आउट कर रहे हैं अगले फेज में स्ट्रेटजीज तरतीब देने में, इसी तरह अगले फेज में बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी हम हेल्प करेंगे उन क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हमें चाहिए वो बनाने में। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो लॉग किया नहीं था, तो मैंने कहा एक वीडियो लॉग करके उसकी रीजन भी बता दूं कि मेरी मसरूफियात क्या रही या क्या चल रही है, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली भी लॉग नहीं कर सक रहा हूँ। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में से जो चीज़ें सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में वीलॉग्स के ही थ्रू मैं वो भी आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता लग सके कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बड़े बड़े मसले हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, वो क्या है, उनमें फ़र्क क्या है दोनों सूबों में, और उनकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो किस तरीके से सामने आ रही हैं।